सरहदों की हिफाजत करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथों की कलाई रक्षाबंधन पर सुनी ना रहे, इसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने बीएसएफ के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु की कामना की। इसको लेकर सोमवार को बाड़मेर में 13वीं बटालियन में आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने पहुंचकर जवानों के राखी बांधी। देशी सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवान घर परिवारों से दूर रहकर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर इन बीएसएफ जवानों की हाथों की कलाई सुनी ना रहे, इसको लेकर सोमवार को बाड़मेर में 13वीं बटालियन में आशा सहयोगिनी एवं नर्सिंग स्टूडेंट्स बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अधिकारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तनोट वॉरियर्स 13 बटालियन के कमांडेंट जीएल मीणा के मुताबिक जवान घर से दूर हैं, लेकिन आज इन बहनों ने राखी बांधकर घर की कमी पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि इन बहनों ने हमारी कलाई सुनी नहीं रहने दी, इस बात की बेहद खुशी है। कमांडेंट मीणा ने सभी आशा एवं स्टूडेंट्स का आभार जताया। द्वितीय कमान अधिकारी राजेश यादव ने बीएसएफ की कार्य योजना गतिविधियों के बारे में आशा स्टूडेंट्स को जानकारी दी। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी के मुताबिक आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने तनोट वॉरियर्स 13 बटालियन में तैनात जवानों और अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इन बहनों से राखी बंधवाकर बीएसएफ के जवान और अधिकारी काफी खुश और भावुक नजर आए। रघुवीर सिंह तामलोर ने आशा और नर्सिंग स्टूडेंट्स बहनों से कहा कि देश की सुरक्षा में मुस्तैद देश के जवान दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, ऐसे जाबाज भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। सर, यहाँ पर हमारे मेडिकल स्टाफ की सिस्टर्स आई हैं हमारे बीच में और आशा बहनें आई हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ राखी का त्यौहार मना के। साथ ही उन्होंने हमें तिरंगा भेंट किया हर घर तिरंगा के योजना के तहत, तो वो मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें, तो हमें परिवार का इतना कमी महसूस नहीं हो पाती है इनके बीच में। उनका देश की सेवा में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है त्यौहारों में, लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं लोगों सिविलियन हमारे बीच में आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और थोड़ा अपना घर परिवार की याद से थोड़े से राहत मिलती है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पे हमने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया है, जो अपने फौजी भाई हैं जो मतलब छुट्टियों पे घर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए हम लोग राखी लेके आए हैं। आशाएँ और जीएनएम नर्सें भी हैं हमारे साथ और हमने इनकी राखियाँ वगैरह बांधी हैं। सब 13वीं वाहिनी के अंदर रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी रखा गया था और जैसे कि राष्ट्र द्वारा जो हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है उसी का आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत भी हमने पूरी हमारी जो इस कार्यक्रम में आशा बहन है और नर्सिंग स्टूडेंट है जो आज उपस्थित हुए हैं, इन्होंने जो हमारे बीएसएफ के जो जवान भाई हैं इनकी राखी बांध के हमने इस प्रोग्राम को शुभकामनाएं दी है इनके साथ। इस दौरान 13वीं बटालियन के कमांडेंट तनोट वॉरियर्स जीएल मीणा, द्वितीय कमान अधिकारी राजेश यादव, डिप्टी कमांडेंट बनवारी लाल, डिप्टी कमांडेंट प्रभात कुमार सिंह, जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी, असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर कुंदन सोनी, रघुवीर सिंह तामलोर, नवरतन सोनी बटालियन के जवान समेत बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टूडेंट्स मौजूद रहे।